उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का परिणाम रविवार से लगातार आ रहा है और अभी भी मतगणना चल रही है। इस बार कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सभी प्रकार के विजय जुलूस पर रोक लगाई है। वाराणसी में इस बात के अनुपालन के लिए पुलिस सख्ती बरत रही है। वहीं रोहनिया थाना क्षेत्र के मड़ाव गाँव के विजयी ग्राम प्रधान प्रत्याशी और BDC प्रत्याशी ने चुनाव आयोग के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विजय जुलूस निकाला। मड़ाव से प्रकाश गौड़ प्रधान पद पर निर्वाचित हुए हैं। सुबह आए परिणाम के बाद नवनिर्वाचित BDC और 50 से अधिक लोगों के साथ प्रकाश गौड़ ने क्षेत्र में जुलूस निकाला। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखी और ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ था। इस संबंध में जब रोहनिया थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सूचना मिली है, जांच की जा रही है। विजय जुलूस यदि निकाला गया होगा तो महामारी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनपद के केसरीपुर एवं चांदपुर के प्रधान पतियों द्वारा भी जुलूस निकाला गया, जिसके तहत मंडवाड़ी थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बताया जा रहा है कि मंडवाड़ी स्थित डिवाइन सैनिक स्कूल में विद्यापीठ विकासखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की जा रही थी। मतगणना में सभी प्रत्याशियों को सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन कराया जा रहा था एवं जीतने वाले प्रत्याशियों को किसी भी तरह का जुलूस या नारेबाजी करने की मनाही थी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए काशी विद्यापीठ विकासखंड के केशरीपुर गांव एवं चांदपुर सभा के विजयी प्रत्याशी ने पुलिस कर्मियों के सामने ही जुलूस निकाला एवं जीत का जश्न मनाया। कोर्ट के आदेश एवं कोरोना प्रोटोकॉल तोड़े जाने पर केशरीपुर प्रधानपति अभय पटेल व चांदपुर प्रधानपति ओम प्रकाश पटेल के खिलाफ मंडवाड़ी थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मंडवाड़ी इंस्पेक्टर परशुराम त्रिपाठी ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए किसी भी प्रत्याशी को जीतने के बाद जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी। केशरीपुर एवं चांदपुर ग्राम सभा के प्रधान पतियों ने जुलूस निकालकर जश्न मनाने का काम किया है। दोनों प्रधान पतियों पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है।